एक इंपॉर्टेंट टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो कभी टर्म्स कभी कॉन्सेप्ट्स, चलता रहेगा ऐसा सिलसिला। बिजनेस ट्रांजैक्शन सर, इसी से तो शुरू हुआ था सिलसिला। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस। वही है बिजनेस ट्रांजैक्शन, वही है। बट अभी थोड़ा डिटेल में, अब आप बड़े हो गए हो तो अब आप और चीजें सुन पाओगे, समझ पाओगे। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट इज एन एक्सचेंज, इट इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स क्या होते हैं? जल्दी जल्दी पास कर सकते हैं, नहीं पता तो हाँ, ये टाइम वेस्ट नहीं करना। फिजिकल एग्जिस्टेंस तो फर्नीचर की भी है, तो क्या ये गुड्स हैं? यस और नो? रॉन्ग। गुड्स फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड, फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड उनको बोलते हैं गुड्स। तो फिजिकल आइटम्स तो बहुत सारे हैं, फिजिकल आइटम तो ये लैपटॉप भी है, बेचने के लिए थोड़ी ना रखा हुआ है यहाँ पे, तो वो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। गुड्स होते हैं वो फिजिकल आइटम्स जो आपने बेचने के लिए रखे हुए हैं, जिस चीज में आप डील कर रहे हो। तो एन एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स, सर्विसेज। बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एन इकोनॉमिक इवेंट एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज दैट इनिशिएट्स द अकाउंटिंग प्रोसेस, इनिशिएट्स द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। इट इज अ फाइनेंशियल इवेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विच ब्रिंग्स अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन एंटरप्राइज। सो एनी इवेंट विच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, एनी फाइनेंशियल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, अमृत सोल्ड गुड्स, अगर आपने गुड्स बेचे तो एक ने बेचे दूसरे ने खरीदे, दोनों के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन है। रेंट पेड, ट्यूशन फीस रिसीव्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ये सब क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। मैंने आपको पनिश करा, खड़ा कर दिया पीछे कि 1 घंटे खड़े रहो, इज इट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? नो, इट इज नॉट ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। मैंने आपको स्कॉलरशिप दी, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपके टेस्ट में हाईएस्ट आए, मैंने आपको प्राइज में होंडा सिटी दी, तो इज इट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? डेफिनेटली यस, इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, इट विल ब्रिंग अबाउट अ ड्रास्टिक चेंज इन द फाइनेंशियल पोजिशन, यस और नो? स्कॉलरशिप, प्राइज, चॉकलेट मिल जाएगी ज्यादा से ज्यादा। ध्यान से देखना, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? इट मस्ट हैव अ फाइनेंशियल वैल्यू, इट इज सपोर्टेड बाय अ सोर्स डॉक्यूमेंट, वेरिफाइबल, इट शुड बी वेरिफाइबल। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, तभी वो बिजनेस ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सामान बेचा है तो सेल्स इनवॉइस होना चाहिए, सामान खरीदा है तो परचेज इनवॉइस होना चाहिए, कोई भी डील हुई है तो उसका कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। थर्ड, इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अफेक्ट हो रहे हैं, इट इज ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, इट हैज एन अफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बताया था ना, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? जब हमने टर्म पढ़ी थी एसेट लाइबिलिटी कैपिटल, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर हुई है तो इट विल हैव एन अफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आगे जाके आप पूरा एक चैप्टर ही पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, तो उसमें हमें यही दिखाना होता है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद ये प्रूव करना होता है कि एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब बहुत ही मजेदार दुनिया है, बट दैट इज 1% ऑफ अकाउंटिंग। तो उसको करके खुश मत होना, इतना आसान है अकाउंटिंग, इतना डराते थे लोग। दैट इज 1% ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन जो लोग कर रहे होंगे, तो मतलब बहुत मजेदार चैप्टर बट बिल्कुल यूजलेस। ध्यान से
क्यों अकाउंटिंग प्रोसेस में इसका नाम भी सुना, इतना इंपॉर्टेंट है ये कि अकाउंटिंग प्रोसेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अकाउंटिंग प्रोसेस में रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है, एनालाइजिंग है, इंटरप्रेटिंग है, कम्युनिकेशन है, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है। फिर क्यों करा रहे हमें, कह रहे आओ तो सही, बैठो तो सही, थोड़ा सुनो तो सही, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, अ डेबिट एस्पेक्ट एंड अ क्रेडिट एस्पेक्ट। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, डेबिट एस्पेक्ट, क्रेडिट एस्पेक्ट। क्या होता है पता नहीं, अभी डेबिट क्रेडिट क्या होता है नहीं पता आपको, ये तो बहुत ही इनकम्प्लीट बात है कि डेबिट इज द रिसीविंग एस्पेक्ट, क्रेडिट इज द गिविंग एस्पेक्ट। मैंने कहा नो, इट हैज अ वाइडर मीनिंग, इट हैज अ वाइडर मीनिंग, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स विल हैव अ वाइडर मीनिंग। इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द अकाउंट वेदर इट इज बीइंग डेबिटेड और क्रेडिटेड, देयरफॉर वी हैव अ सेपरेट चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दैट विल अगेन बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ अकाउंटिंग। क्यों, रूल्स ही तो मेन है कि कोई चीज कब डेबिट होती है कब क्रेडिट होती है, वो आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड करेगी। डुअल एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एस्पेक्ट एंड द क्रेडिट एस्पेक्ट। डेबिट रिसीविंग एस्पेक्ट है, क्रेडिट गिविंग एस्पेक्ट है, बट मैं कह रहा हूँ आपके लिए काम की बात क्या है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। इन अदर वर्ड्स, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू साइड्स, वन इज द रिसीविंग रिसीविंग ऑफ द बेनिफिट एंड द अदर इज गिविंग द बेनिफिट। मैं आपको सामान बेच रहा हूँ, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आई एम गिविंग यू द बेनिफिट, आप मुझे पैसे दे रहे हो, तो अगर मैं एक बार बोलूँ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तो मैं गिवर हूँ आप रिसीवर हो, अब जब फी पेमेंट की बारी आएंगे आप गिवर हो मैं रिसीवर हूँ। तो एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। बिजनेस ट्रांजैक्शन मे बी कैटेगराइज एज रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग यूनिट और मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू, मतलब कह रहे डिफरेंट टर्म्स अंडरस्टैंड करने के लिए। तो काम की बात यह है कि मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू, तो एक होती है कैश ट्रांजैक्शन, एक होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ऑन द स्पॉट पेमेंट हो रही है, इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, अभी उधार पे हो रही है, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सिंपल, कोई भी डाउट? रिलेशनशिप विद द अकाउंटिंग यूनिट, एक होती है इंटरनल ट्रांजैक्शन जिसमें कोई बाहर वाला इन्वॉल्व नहीं है, एक होती है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन जिसमें बाहर एक्चुअली बाहर वाला इन्वॉल्व है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो सारी क्या है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, इंटरनल भी होती हैं बट इंटरनल ट्रांजैक्शन में कोई बाहर वाला इन्वॉल्व नहीं होता, वो नॉर्मली ट्रांसफर एंट्रीज होती हैं, करी जाती हैं कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की वजह से। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, चार्जिंग डेप्रिसिएशन, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम, यूजेज, ऑब्सोलेसेंस। मशीन, आपने गाड़ी खरीदी 10 लाख की, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, तो आप एक साल का एक्सपेंस दिखा रहे हो डेप्रिसिएशन 10%, मतलब 1 लाख। तो मेरा क्वेश्चन है कि डेप्रिसिएशन की गाड़ी की वैल्यू गिर गई, तो क्या डेप्रिसिएशन किसी को मैंने पैसे दिए 1 लाख? नहीं, वो तो बस एक अकाउंटिंग एंट्री है, उसमें कोई बाहर वाला तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो वो एक इंटरनल ट्रांजैक्शन है। तो आपको बस ये बता रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन है इंटरनल ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकती। आपको कैटेगराइज करने को नहीं आ रहा अभी, सो जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये सारी बातें रिपीट हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स। इट शुड हैव अ फाइनेंशियल वैल्यू, इट शुड बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इट शुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजिशन, इट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट।